पंचायत अध्यक्ष रईस खान का निर्वाचन शून्य घोषित हो गया, जिसके बाद अब रईस खान अध्यक्ष नहीं रहेंगे। जनपद क्षेत्र 17 से निर्वाचित हुए रईस खान पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाने का आरोप लगाते हुए उनके प्रतिद्वंदी ने चुनाव के दौरान कलेक्टर से शिकायत की थी, जिसके बाद जांच समिति द्वारा प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया और रईस खान का निर्वाचन शून्य कर दिया गया। वहीं रईस खान ने उच्च न्यायालय से इस आदेश पर स्टे ले लिया था और वे अध्यक्ष पद पर बने रहे, लेकिन अब भाजपा नेताओं द्वारा उच्च न्यायालय से इस मामले को लेकर फिर से याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने स्टे को निरस्त कर दिया है और अब 14 मई तक नया अध्यक्ष बनाए जाने हेतु प्रक्रिया तेज करने को दिशा निर्देश दिए हैं। ऐसे व्यक्ति द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर 10 साल तक समस्या को अध्यक्ष पर ग्रहण करना अति निंदनीय है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बात अगर कमलनाथ से छुपा के अगर रखी है तो ऐसे कार्यकर्ता को नेता को पार्टी में रखने का राइट नहीं। मैं कमलनाथ जी से आग्रह करूँगा, आप बहुत पिछला बार की बात कर रहे हैं, एक आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ने इतना बड़ा धोखाधड़ी पिछड़ा वर्ग के साथ किया, ऐसे व्यक्ति को निष्कासित करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपने म्युनिसिपल कलेक्टर को इस बात को भी कहना चाहिए। दूसरा, जो अभी PDS का गेहूँ दो जनपद अध्यक्षों को पास में पकड़ाया, मैं एक तरफ तो कमलनाथ जी भ्रष्टाचार की बात करते, गरीब जनता की बात करते, PDS का गेहूँ की बात करते। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जो हमारे भारतीय जनता पार्टी दिगत लगता है देवी सूर्यवंशी थे और उनके खिलाफ जो रईस खान जो वर्तमान अध्यक्ष रहे उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन जब फॉर्म भरा था उसी से हम लोग को जानकारी में आई थी कि इनका जो जाति प्रमाण पत्र है उन्होंने लगाया है वो कहीं ना कहीं फर्जी है और उसकी प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया में हमने अपने प्रत्याशी के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया, लेकिन चुनाव जाति प्रमाण की वैधता के लिए जब तक छानवी समिति न हो जाए उस तब तक उन्होंने उसको कंटिन्यू किया कि हम चुनाव तो होगा और चुनाव के बाद ही इसकी प्रक्रिया पूरी की। चुनाव हो गया और चुनाव हमने तत्कालीन कलेक्टर रहसन चौधरी के सामने समय सीमा पर प्रत्याशी की तरफ से लीड क्वेश्चन डाली थी, कई लीड को क्वेश्चन में लगाया थे, इसका निराकरण उस समय नहीं हुआ, उसका निराकरण किया जाना था। कलेक्टर रहसन चौधरी जी ने उस प्रकरण को पूरा संज्ञान लेकर छानवी समिति भोपाल को प्रस्तुत किया और भोपाल छानवी समिति ने जहाँ से हमने दबाव बना के लाया था उसमें छानवी का निर्णय दिया कि ये रईस खान का जाति प्रमाण लगाया था ये फर्जी है और तब से बाद से प्रक्रिया पूरी चली तो उसके बाद निर्णय आया तो उनको हटाने के लिए जो देवेंद्र भाई ने बताया लगे समय समय 2015-17 में किस सीट से वर्तमान कल तक जो जनपद अध्यक्ष थे उन्होंने चुनाव लड़ा मेरे देवेंद्र जब निर्वाचन की जब नामांकन की प्रक्रिया हुई जब दावे आपत्ति का समय आता तो हमने उसी समय उनके फर्जी जाति प्रमाण पत्र जो पोस्ट डॉक्यूमेंट के आधार पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाया गया था उसकी आपत्ति हमने निर्वाचन जिला कलेक्टर को दिया था। वहाँ से SDM महोदय जो अधिकारी होते हैं उनको पावर नहीं था तो उन्होंने उसको फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि हम उसमें अपील में आ गए कहाँ पर जिला कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी उन्होंने सुनवाई करते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र की जाँच के लिए राज्य स्तरीय छानबीन समिति होती है भोपाल उसको उनका जाति प्रमाण पत्र और किस आधार पर बनाया गया थे सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचाया जांच के लिए। वहाँ से जांच में 6 महीने जांच चली जिसमें जांच में पाया गया और दोनों पक्ष को बुलाया गया सुनने के लिए, पूरे दोनों पक्ष को सुनने के बाद जांच किया गया, जांच में पाया गया कि इनके जो जाति प्रमाण पत्र बनाया गया वो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार में बनाया गया इसलिए उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाता है। ये ऑर्डर फिर कलेक्टर साहब के पास आया तो कलेक्टर साहब ने उस पर कार्रवाई करते हुए इनको उसी समय पदमुक्त कर दिया गया और निर्वाचन की कार्रवाई के लिए 2017 उसके बाद फिर इन्होंने स्टे ले लिया और इन्होंने न्यायालय में जाकर के ये अपील की कि हमें बिना सुने राज्य छानबीन समिति ने हमारे जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया तो फिर कोर्ट ने हाईकोर्ट ने फिर से इन्हें इसको राज्य छानबीन समिति को एक नोटिस जारी किया कि इसको एक बार पुनः सुना जाए उसके बाद इसकी जाँच की जाए, इनको पुनः सुना गया उसके बाद पुनः जाँच करके इनका जाति प्रमाण पत्र को फिर निरस्त कर दिया। उसके बाद फिर जाति हाईकोर्ट से न्यायालय कलेक्टर छिंदवाड़ा को आया प्रकरण तो इन्होंने फिर से दोबारा 2017 में इनको फिर पदमुक्त कर दिया। इस पर जो स्टे था वो अब 28 अप्रैल 2022 को ये
इस पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर साहब ने आज ये आदेश जारी किया कि वो जो सीट है अध्यक्ष की वो नल एंड वाइड है, तो रिक्त कर दी गई क्षेत्र क्रमांक 17 और अध्यक्ष पद। और निर्वाचन की प्रक्रिया जो जितने जनपद अध्यक्ष निर्वाचित हैं इनका सम्मेलन बुलाने के लिए 15 अप्रैल को 15 मई को इनको बुलाया गया। ग्रामीण भारत टीवी के लिए परासिया से निखिल वाजपेयी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।